गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये क्लास 9th के लिए, और आज भी हम पढ़ेंगे आगे डेसिमल एक्सपेंशन में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक रैशनल नंबर था, उसको हम डिवाइड करके हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। तो उसी के एक्सटेंशन में जो आगे इस क्वेश्चन है वो ये है कि हमको अब एक डेसिमल नंबर दिया होगा, हमको उसे एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि या तो हमको सबसे पहले उसको पूरा का पूरा हम उसको डेसिमल से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें, या फिर हम उसको सिंपली हम उसको एक रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो ये अलग अलग हमारे पास क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है 3.142678, ये हमारा नंबर है 3.142678। अब इसको जो है ये एक रैशनल नंबर है, इसको हमको जो रिप्रेजेंट करना है, हमको इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि पी अपॉन क्यू यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में हमको इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। पी बाई क्यू जो है आपका ये फ्रैक्शन का फॉर्म है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि जहाँ पे क्यू जो है ये जीरो के बराबर नहीं है। सो हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे सिंपल तरीका हमारे पास जो अभी तक है वो हमारे पास ये है कि आप जो डेसिमल के बाद जितने नंबर है आप उनको काउंट करिए। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद 6 नंबर हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो है इस पॉइंट को हटा देंगे और नीचे हम 6 जीरोज लगा देंगे और उसके आगे हम एक 1 लगा देंगे, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8 अपॉन, अब हमको क्योंकि इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स नंबर थे, तो हम यहाँ पे 6 जीरोज लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ये तो हो गए 6 जीरोज, और इसके आगे हम एक 1 प्लेस कर देंगे। सो अब ये जो नंबर हो गया, आप देखिए कि यहाँ पे से डेसिमल पॉइंट यहाँ का हमने हटा दिया, यानी कि डेसिमल हमने रिमूव कर दिया, और डेसिमल रिमूव करने की जगह हमने यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे हमने ये इतने जीरोस यहाँ पे लगा दिया, यानी कि 10 लाख जो है हमने यहाँ पे नीचे इस नंबर के लिख दिया। तो ये नंबर जो हो गया, अब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे आप देखिए कि जो क्यू है, क्वेश्चन में सिंपल दिया था हमको वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं है क्यू, क्यू यहाँ पे है आपका 10 लाख, सो 10 लाख है यहाँ पे जीरो सॉरी नंबर्स। सो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी तरीके से हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी और नंबर होता है, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास एक नंबर है जैसे कि 25.32 हमारे पास एक नंबर है, आपको कहा है कि इसको रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करिए। तो हमारे पास सबसे सिंपल मेथड है वो ये है कि इसको हम पॉइंट हटा देंगे और काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट का कितने जीरोस हैं, सॉरी कितने नंबर्स हैं, जितने नंबर होंगे उतने जीरोस लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो हम यहाँ पे 2 जीरोस ऐड कर देंगे, सो ये हो जाएगा 2532/100। सो ये और ये दोनों एक ही चीज़ है एक तरीके से, अगर हम वापस से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वापस से 25.32 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर, कि हम इस तरीके से डेसिमल नंबर को हम आपका जो है रैशनल सॉरी पी वाई यू के फॉर्म में के रैशनल नंबर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सो ये हो गया दूसरा एग्जांपल। इस तरीके से हमारे पास कोई भी नंबर हम उसको इसलिए इसी तरीके से कन्वर्ट हम कर सकते हैं। सो ये 2 हमारे क्वेश्चन थे, इनको आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास एक नंबर है 0.3333, हमारे पास ये एक नंबर है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे हमारा जो क्यू है इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो अब हम इसमें यहाँ पे वो मेथड नहीं लगा पाएंगे कि जो अभी हम लगा रहे थे, तो हमने पॉइंट रिमूव किया और हमने सिंपली इसको कर दिया। सो हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, हम यहाँ पे दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। आप देखिए यहाँ पे कि जो हमारा जो x है, हम इसको x मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0.333
3 3 3 3। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये 3 है, ये लगातार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 0.3 बार, यानी कि मैं 3 के ऊपर जो है यहाँ पे बार लगा सकता हूँ। सो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू, हमने लिखा x इज इक्वल्स टू 0.3 3 3 3। अब x की वैल्यू ये है, मुझे आप मुझे यहाँ पे ये 0 को हटाना है, मुझे इसके यहाँ पे मुझे एक इंटीजर की वैल्यू चाहिए, तो हम इस पूरे नंबर में, इस पूरे में हम इंटू कर देंगे 10, हम इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे 10, यानी कि इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो मल्टीप्लाइंग 10 इन इक्वेशन 1, इसमें हम 1 में इसमें हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपका ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 3.333। ये हो जाएगा हमारा नंबर। सो अब जो है इसको हम, जो आपको पता है कि ये वैल्यू तो थी, ये तो आपके x के बराबर थी, हमने लिखा ही था कि x इज इक्वल्स टू 0.3, तो पॉइंट के इसको हम ले लेंगे x, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लस x, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे मुझे चाहिए है इस x की वैल्यू, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस 3 को, सॉरी इस x को हम उधर भेज देंगे, हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, यानी कि 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3, तो 9x इज इक्वल्स टू 3, 10 में से x गया तो बचा है हमारे पास 9x इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/9, तो x विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1/3। सो 1/3 जो है ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमने इसमें किया क्या है, हमारे पास बहुत सिंपल सा था, इसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करा है कि ये हमारा नंबर है, इसमें हमारे पास कोई भी इंटीजर में वैल्यू नहीं है, आप देखिए आगे कोई भी इंटीजर नहीं है, और अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसको हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो हमने इसको सबसे पहले तो अज्यूम कर लिया कि ये हो गया x के बराबर, यानी कि जो वैल्यू हमको अज्यूम करना होती है, यानी कि जो वैल्यू हमको नहीं पता उसको हम x मान लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू x। अब इसमें हमने 10 मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन में, सो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 3.33 इस तरीके से। सो ये यहाँ तक कम्प्लीट हो गया। अब उसके बाद हमने, हमको पता है कि 0.333 तो x की वैल्यू थी, तो हमने उसकी जगह x रख दिया, सो 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लस x। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं लाइक टर्म्स को एक तरफ करूँगा, यानी x x की टर्म एक तरफ हो जाएगी और जो डिजिट है वो एक तरफ हो जाएंगे। सो इसको जब हम उधर भेजेंगे, सो इधर ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, सो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3, 10x में से x जाएगा तो बचेगा 9x, 9x इक्वल्स टू 3, x चाहिए है मुझे 9, जो है इससे मल्टीप्लीकेशन में, ध्यान रखिए आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, तो ये इक्वल टू की जब मैं उधर भेजूंगा उसको, क्योंकि मुझे x चाहिए है, तो इसके साथ इस 9 को मैं हटा दूंगा, तो जब मैं इस 9 को हटाऊंगा तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x इज इक्वल टू 3/9, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 1 3 3 3 9, सो x की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 1/3, सो 1/3 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए।
सो ये भी जो है ये अगला क्वेश्चन है, ये भी एग्जैक्टली उसी तरीके से है। इसमें डिफरेंस बस इतना है कि आप देखें कि यहाँ पे 27 ये जो है 27 27 27 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको सिंपली ले सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1.27 पे बार लगा सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1.27 बार, यानी कि लगातार अब यही नंबर रिपीट होगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो नंबर है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई 100 से किया। हमारे पास पिछले में एक ही था, एक ही नंबर पे बार था 3 पे, इसलिए हमने एक ही लिया था, मतलब यहाँ कि हमने 10 लिया था, यहाँ पे हमने 100 लिया है। सो वापस से हमने इस इक्वेशन में 100 मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हो गया 100x इज इक्वल्स टू 126 प्लस एक्स। सो इस एक्स को हम जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 126। सो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99x, 100 में से 1 गया तो 99। सो x इज इक्वल्स टू 126 अपॉन 99, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14/11। सो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि डेसिमल एक्सपेंशन में हमको आगे क्वेश्चन कैसे करने हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।